हाय एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। कैसे हो आप लोग? सो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे जीके की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी जो भी IDBI के भी रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर, और उसके अलावा भी RRBPO का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर होने वाले हैं, तो आप उसके लिए GK कैसे प्रिपेयर करोगे? आई वुड सजेस्ट कि आप दो सोर्स फॉलो करो। अब लेट सपोज मैं आपसे बात करती हूँ अफेयर क्लाउड एंड स्टडी IQ के लिए। आप एक कोई सोर्स को डेली फॉलो करो और एक उनका मंथली या फिर वीकली वाला फॉलो कर लो। स्टडी IQ मैं डेली पहले करती थी, बट उसमें प्रॉब्लम ये होने लगी कि टाइमली वीडियो अपलोड नहीं होते थे, काफ़ी बैकलॉग हो जाता था 10 डेज 20 डेज़, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है बाद में। सो व्हाट आई डिड, मैंने डेली अफेयर क्लाउड का करना शुरू किया, और मैं कोई नोट्स नहीं बनाती थी क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और आप जब नोट्स प्रिपेयर करते हो तो वो मेरी कॉपी में ही रह जाती थी, मैं कभी उसको फिर चेक नहीं करती थी क्योंकि बहुत टाइम लग जाता था। तो आप PDF में ही नोट्स बना सकते हो, आपने PDF डाउनलोड कर लिया और उसके बाद एडिट में हाईलाइट का भी ऑप्शन रहता है, या फिर पेंसिल का भी ऑप्शन रहता है, इरेजर्स रहते हैं, और कमेंट भी ऐड करने का ऑप्शन रहता है, और आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। तो आप वहीं पे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो PDF में। और अगर आपको मेमोनिक्स ऐड करना है, जैसे आप कुछ याद कर रहे हो और आपको कुछ ट्रिक्स आ गई माइंड में और आपने सोचा कि चलो उसको ना लिख लेते हैं वहाँ पे, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख लो, और आप जब उसको रिविजन करोगे तो वो मेमोनिक्स आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब आप ये डेली वाला कर लो, और उनके YouTube पे भी वीडियोस डालते हैं, तो आप ऐसा कर लो, या तो एक बार PDF पढ़ लो और फिर उसके बाद जब भी फ्री हो, जैसे कुछ भी फ्री हो, अगर आप खाना ही खा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ऐसा टहल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आप बस ईयरफोन लगा लो और उनके जो डेली वाले वीडियोस है उनको सुन लो, और आपने PDF पढ़ लिया और उनके वीडियोस को सुन लिया और क्विज लगा लोगे, तो ऐसे ना आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, रैदर देन अगर आप बस एक बार आपने एक बार पढ़ लिया और उसको रिविजन नहीं किया तो माइंड में रिटेन नहीं होगा, ये आप समझ लो, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं, इट्स लाइक कम्प्लीटली वेस्टेज, वो पूरा बेकार हो जाएगा। सो आप रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसी चीज़ को आप अगर सुबह में कर लो और फिर शाम को रिविजन कर लो, या फिर अगर आपने सुबह में किया फिर दोपहर को रिविजन कर लिया, या फिर क्विज दे लिया, कुछ भी लेटे लेटे क्विज दे लो आप, या फिर उनकी वीडियोस देख लो, तो ऐसे एक ही चीज़ ना अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो आपको रिविजन होगा और आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगी चीज़ें और आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब वीकली होता है, जैसे एक वीक ख़त्म हो गया, तो आप उसको सैटरडे को या फिर संडे को अपना कोई भी एक डे फिक्स कर लो, और वहाँ उस दिन पूरे अच्छे से रिवीजन कर लो, आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, आपने पूरा रिवीजन कर लिया, और संडे को वैसे भी कोई न्यू PDF अपलोड नहीं करते हैं वो लोग अफेयर क्लाउड वाले, राइट। और उसके बाद जब स्टडी IQ की वीडियोस चलती है week 1 week 2 best 300, तो वो भी आप कर लो, तो ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा, दो सोर्स हो जाएगा, क्योंकि अभी लास्ट ईयर आपने देखा था IBPS PO GK का लेवल आपने देखा होगा। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही सोर्स पे रहो, बट ये भी है कि अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है दो सोर्स भी फॉलो करने का, आप फिर एक ही करो और बहुत अच्छे से करो उसको, उनके क्विज कर लो, उनकी रिविजन कर लो, उनका PDF फिर से कर लो, वैसे करके कर लो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको देखना है कि मैं PDF कैसे हाईलाइट करके या फिर नोट्स बनाती थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई नो अभी मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं थोड़ी बिजी थी, बट आई ट्राई कि मैं आपके कमेंट सेक्शन, जो भी कमेंट्स रहते हैं वो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आप जो भी डाउट्स है वो लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई टू एड्रेस इट। एंड ओके, टेक केयर, बाय बाय।